हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई टी मोहेश। हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं यूट्यूब के लिए, अपने चैनल के लिए, और वो प्लेलिस्ट में कैसे हम वीडियो डालते हैं और प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसा उसका प्रोसेस होता है और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि तैयार कर सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसा ही इंटरफेस पहले आपको आ जाएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। आपको उसके बाद क्या करना है, लाइब्रेरी नीचे देखो लाइब्रेरी के एक ऑप्शन आता है राइट साइड में, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको देखो नीचे स्क्रॉल करो, नीचे में आपको दिखाई देगा न्यू प्लेलिस्ट। तो न्यू प्लेलिस्ट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर देता हूँ, अभी क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ऊपर के साइड राइट कॉर्नर में नेक्स्ट को आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको टाइटल भरना है, न्यू प्लेलिस्ट का टाइटल मैं भर देता हूँ, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अपना न्यू प्लेलिस्ट का नाम, मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको प्राइवेट नहीं रखना है, पब्लिक कर देना है। ठीक है, पब्लिक मैंने कर दिया। तो क्रिएट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका हो गया, अभी आपके बन के तैयार हो गया न्यू प्लेलिस्ट। यहाँ पर देख लीजिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, न्यू प्लेलिस्ट में मैंने जो क्रिएट अभी किया है उस पर कुछ भी वीडियो मैंने सिलेक्ट करके नहीं रखा है। दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में हम वीडियो कैसे ऐड करेंगे उसका प्रोसेस हम जानने से पहले आपको बता देता हूँ, दो प्रकार के सिस्टम में हम ऐड कर सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्या प्रोसेस होता है उसको आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और एक दूसरा वीडियो हम आपको तैयार करके अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, पहला प्रोसेस कैसा है, आपको YT स्टूडियो जो होता है ना, YT स्टूडियो में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसका प्रोसेस अच्छे से समझा देता हूँ अभी। डियर फ्रेंड्स, अभी हम ओपन कर देते हैं YT स्टूडियो। YT स्टूडियो को हम ओपन अभी कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सब जो वीडियो है ना, वीडियो का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, सभी वीडियो को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जो भी वीडियो आपको इच्छा हो रहा है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, जो वीडियो आप डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने न्यू प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो देख लीजिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने 3 वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। पहला यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए, ऑडियंस नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, उसके नीचे दिखाई दे रहा है ऐड टू प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपको आ गया प्लेलिस्ट का नेम आ गया। तो पहला जो है ना आपका यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, वहाँ पर मुझे टिक करना है। टिक करने के बाद डन ऑप्शन को आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है टॉप में, यानी कि ऊपर में सेव, तो सेव को आपको क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेस होके वो हो गया आपका सिलेक्ट। इसी प्रकार हम दूसरा वीडियो को भी सिलेक्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यूट्यूब स्टूडियो से वॉच टाइम कैसे देखते हैं उसको भी हम ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मैं ऐड कर दूंगा अभी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स में। ऐड टू प्लेलिस्ट जहाँ पर लिखा है उसको आपको टैप करना पड़ेगा। मैंने टैप कर देता हूँ, मैंने टैप कर दिया। उसके बाद ऑप्शन फिर से आ गया यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, वहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर से डन ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर से आपको ऑप्शन आ जाएगा सेव को आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद वो तैयार हो गया, मतलब सेव हो गया। मैं अपना तीसरा वीडियो भी सिलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग माई यूट्यूब, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देख लीजिए। मैं जिसको अभी मार्किंग कर रहा हूँ, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड टू प्लेलिस्ट, यानी कि प्लस आइकन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोनों ऑप्शन आ गया, यानी कि दो प्लेलिस्ट आ गया।
पहला प्लेलिस्ट में हमको रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उस वहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद डन, डन करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपका 3 वीडियो ऐड हो गया, देख लेते हैं उसका प्रोसेस सही हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन फिर से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना है, मैंने ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद अपना चैनल का नाम लिखना पड़ेगा। अपना चैनल यहाँ पर देख लीजिए, मेरा चैनल YT महेश, तो मैंने टैप कर देता हूँ या फिर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका राइट साइड में दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शन, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, आपको प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आपका यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ पर 3 वीडियो सिलेक्ट करके पहले से ही रखा है, मैंने जो 3 वीडियो को सिलेक्ट किया था वो अच्छे से सिलेक्ट करके ऐड हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार अपने चैनल के लिए न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हैं और ऐड भी वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छे से पता चला होगा कैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करते हैं। और एक अच्छा सा वीडियो आपको प्रेजेंट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे विदाई दीजिए। रहता हूँ दोस्तों, जय जगन्नाथ।